जमाने में मोहब्बत भी पॉकेट को जनाई देख के होत बा। कोई मासुका अपने आशिक से कहलस, का कहलस, राजा हमारा जवानी खरचीला बा। लेकिन पॉकेट तो हार डाली ढीला बा। राजा हमारा जवानी खरचीला बा, लेकिन पॉकेट तो हार डाली ढीला बा। लगे तोहरा से कुछ हो नया होई, अरे आप होई। जब जब कहबू ताब होई, लभ कहला साब होई। एक और धमाकेदार प्रस्तुति बलिराम यादव बलदाऊ और साथियों की आवाज में, हरिओम म्यूजिक की ओर से, और हमारे बड़े भैया, हमारे सहयोगी पैराडाइज मेडिकल एंड पतंजलि स्टोर हरिया चौक मोहम्मदपुर आजमगढ़, आदरणीय आप श्री अशोक कुमार यादव जी के सहयोग में बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रहल बानी। आशा ना पूरा विश्वास बा ये बिरहा के आप लोग जरूर पसंद करो, और बिरहा मैटर थोड़ा अलग बा। दिलो दिमाग आप लोगों का लेके हम अध्यात्म की तरफ चलत है। कहानी कहां से लगल मास्टर आवा। प्रात बेला में ही मरसमिया खिल गई, रात रानी विदा चातक मयूर के कलर हो नाद से, आज ऊसा को नीसा बुलाने। ऊसा और नीसा ये कोनो लड़कीन का नाम ना हो। नीसा माने रात, ऊसा माने सुबह सवेरा। रात बीतत बा, सवेरा होत बा। यही बीच का कहानी बा। कैसे बाबा कश्यप मुनि जब तपस्या किए, अरे खुश हो गए हैं मेरे डमरू। तो अपनी झोली से शंख यकी, अरे मुनि को दिए के कहने लगे त्रिपुरारी। बारह साल तपस्या में बिता दिए कश्यप मुनि जी। तपस्या का फल मिलने वाला है। भोर की बेला में भगवान भोलेनाथ और ढरधानी त्रिशूल बजा करके मुनि के सामने प्रकट हो गए। हा मुनि, अखिया खोला, बोला तोरे सामने खड़ा हूँ। कश्यप मुनि जब आँख खोलन हो बाबू, सामने साक्षात डमरूधारी के देख के मन में थोड़ा संदेह पैदा हो गया। कलन की प्रभु तू सच्चो में भोलेनाथ हुआ कि कोनो बहुरुपिया हुआ? भोलेनाथ कहे कि बेटा अगर संदेह है तो कुछ मांग लो। कश्यप मुनि कहे कि हकीकत में आप भोलेनाथ हैं, तो अपने मनोवय से हमके कुछ दे दिया। कश्यप मुनि झोली में हाथ डरलन, निकार के एक ठे शंख पकड़ा दलन। छुआ कोहरा मतिन मुंह लटक गए कश्यप मुनि का। कोलन सरवा बारह साल तपस्या में बितौली, अब चल के गांव में घूम घूम के कथा कही।
यह तो भक्ति का फल बा। भगवान भोलेनाथ कश्यप के दिल की बात जान गए। हाँ मुनि, निराश नहीं होना बेटा, निराश रोगी मिले बरदानी शंख हो। कैसे? एक लाइन गीत लग गल मास्टर। जमाना जब रहल भैया विजय लाल यादव और अनीता राज के, एक कैसे टू लोग गौले रहलन, देवू नाथ का या चार डलबू। विजय लाल भाई अनीता राज जी से कहत रहलन, कैसे पाटा पाटा गोरी पाटा ले हजार पैबू, नहीं पटबू नहीं पटबू नहीं पटबू तो काये कर चार नईबू। भोलेनाथ कहे कि बेटा ये वरदानी शंख है, विशेषता सुन लो, मंगवा संखिया से अगर कोई मंगा नवाहना। संखिया से कर कोई मंगा नवाहना, पूरे गौवा में पूरे गौवा में पूरे गौवा में होई कोई समान नवाहना। गलन बेटा नहाए धोए के पूजा स्थली पे शंख के रख देबा, अपनी खातिर कौनो एक समान मंगवा तुरंत उपलब्ध हो जाई। लेकिन पूरे गांव वाले के दुई दुई समान मिल जाई। कश्यप मुनि कहलन तो प्रभु ही तो बड़ा बढ़िया वरदान देला, शरीर हम भुजली जंगल में, हमके एक का मिली गांव वाले के दुई ठ मिल जाई। कहलन हाँ बेटा यही शंख की विशेषता है। कहलन तो अच्छा प्रभु तू जा, अब हम चलत हैं एक अजमैबे करीला। 12 बजे राती के घरे पहुंचल हुवन बाबू, घर द्वार खड़हर हो गयल हो, सुतल हुवन नींद ना लगत हो, बड़ा बड़ा मच्छर कुल काटत हुओ। कलन सरवा कब भिनसारा होत कि तनी ये संखिया से कुछ मांगित, देखी सच्चो को बरदानी हो कि बहकाय के चल गई ले। गीत लग गल मास्टर। बड़ी पुरान गीत बा, पहले एक जमाने में विवाह बड़ा बचपने पे हो जाए। अभिमन्यु भैया गौना आवे 11 साल 13 साल 17 साल बाद, लेकिन आज आज तो पूछबे मत करा। आज के रिवाज में तब के रिवाज में बड़ा अंतर हो गया। आज तो विवाह होखत बा तो साथ में दुल्हन विदा होके चली आवत बा, तब कब मरद मन से दूर है मारे लाज के जल्दी घर में न जाए। हया रहल पर्दा रहल शर्म रहल, लेकिन आज करिया शीशा का अगर कार हो तो जानला 80 का रफ्तार वही कार में लगा देत हूँ सब। बड़ा दिन हो गया बियाह भैले दुल्हन चिट्ठी लिखलस की का हो, कहिया ले इंतजार चली, हद हो गई यार इंतजार की। का कलश मास्टर चढ़ली जवानिया, अरे हमारी मोरे राजा, अरे गवनावा ले जा, गवनावा ले जा आगहन में,
तीन बजे भिनसार के बेला बा, कश्यप मुनि दवर के कुआं पे जाए के स्नान कई के पूजा स्थान लीप पोत के शंख गोसाई को ही धय दहलन, कलन तो हाई शंख गोसाई को एक चीज दे दिया, का मंगलन अरे संखिया से मांगे मुनि जननावा चाही, जननावा चाही हमारा के चाही। ये अब ऋषि मुनि भ्रष्ट ना हुए अभिमन्यु भैया, ये परंपरा याद से चली आइल बा, कलन तो हाई शंख गोसाई कहो एक ठे खूब बढ़िया का, एक ठे खूब चिकन मुक्कन का मेहरारू दे दे तू, जिंदगी भर राखी पोतली बुढ़ौती में कम से कम पाउडर पोत ले, वरदानी शंखराल भोलेनाथ का भइल का, अरे यतना कहत यकी आई अलबेली, चौचक मेहरारू कश्यप मुनि के सामने हाजिर हो गई, लेकिन अरे पूरे गाँव में भाईली दुई दुई सहेली, इन्हें एक मेहरारू मिलल पूरे गांव वालन के पीछे जितना मरद रह दुदू मेहरारू टहरे लगली, प्रकाश भैया कह रहा ना हो इस समय जितना काना कोतर मिर्गी हाल लंगर लूज रह हो सबकर मजा हो गई, बारे कश्यप मुनि बुढ़वन के तक थे पहले के बुढ़िया बा, दूठ एकदम जानला 2018-19 मॉडल आ गई, लड़का कुल मजा ले तुम्हें का हो दादा, कैसे बितल रात जौन बुढ़वा मजा की रहे उकाए का बताई जे बेटा, अरे ये कठे दहा तब न कटट, अरे यहर घुमिला त ई घिंच ले ले, यहर घुमिला त ई घिंच ले ले, हाय रे बुढ़ौती एरिया चलावा बुढ़ौती में, जौन बुढ़वा चिटकना रहा है कहे भगले ना रहे, अब भाग ना दिया लठिया नू भैया हो, वो मेहरारू आइल कश्यप मुनि के सामने कड़ी कले ए बुढ़ऊ ये तोरे खड़हरवा में ना रहब, कले कहाँ रहबू, कले के घरा जल्दी पक्का बनवाए दिया, कले ससुर कौनो हमके फरिया से आजमगढ़ से हरिहरपुर से सिंह सरिया गिट्टी बालू मंगावा के हो, आंख मुन के मंगा ही के तहो, बोले तो आयु संघ को साई कहो हमार घरा एक तल्ला बनाए दिया भयल का, अरे ये तना कहत घरी बनल एक तल्ला, अब पूरे गाँव कहो गईला तू तल्ला, कश्यप मुनि आँख खोलन, इनकर घर एक तल्ला एकदम रंग पोत के चौचक तैयार,
कश्यप मुनि सोचत हुअन कि बड़ा दिन के बाद पक्का मकान मिलल हो, मेहरारुओ बड़े दिन के बाद ही मिलल हो। पूजा पाठ हो जाए, बड़ी गर्मी हो, आज लेके चल के छत पे सुतब, लेकिन जौने समय छतवा पे लेके गईले दुल्हनिया के हो, पूरे गौवा वाले के घरवा दुई दुई तल्ला हो गए, तीन तीन ठे मेहरारू लेके टहरावत हुआ सो, इनके घरा के बगलिया ठे भर झुकवारा लोकर भरसैया दुई तल्ला हो गई। कश्यप मुनि जब पूजा में ध्यान लगावे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भर झुकवा दूसर के तल्ला से खेखारा है, बोले सरवा हमरे बिल्ली हम ही से म्याऊ, हमरे बदौलत सरऊ दूसर के तल्ला पे खबरत है आ तू, तो सुना हमरो नाम कश्यप हो, जितना ऊपर भूजत हुआ उतना नीचे अगर ना भूजवाउली तो नाम लिहल छोड़ दी। हा गीत लग गई मास्टर, स्वर्गीय बेचन गुरु अपने जवानी में बड़ा मचल के गावे है गीत के, जवानी का परिभाषा बतावे ऊ कैसे, अब ही उमहरिया के पारी हो, अरे पारी हो मुरहा मांग लगावा नवा, पियावा बोला हो ले वो सारी हो, अरे वो सारी हो मुरहा मांग लगावा नवा, बारे का सपनी कालन दोहाई शंख को साई को जैसे दुई वरदान देहलू, तीसर को वरदान ही गर मैले दे दिया, का मंगलन हमके बनाए दे तू कानावा, दोहाई शंख को साई को हमारे अठिया खिए फोर दिया, सोचल कि जब एक अठिया हमके मिलत है गंगा लन के दुई दुई ठे मिलत बा तो हो सकल हो नहीं जाए, हमके बनाए दे तू कनावा हो, अरे कनावा हो ई हवाए मांगिला मांगना हवा, कश्यप मुनि आंख खोलन तो भयल का ये ताना कहा था ये वो फुटहली नजरिया, बिरहा सुने वाले बाबू लोग बिरहा पे ध्यान रहे, कहानी पर ध्यान रहे, इन्हें एक मेहरारू मिलल पूरे गांव वाले इनके दुई मेहरारू, इनकर घर एक तल्ला पूरे गांव वाले इनका दुई तल्ला, इनकर अखिया एक ठे फूटल तो भयल का, सूरदास हो गैली सागरो नगरिया, क्या बात है, पूरे गांव वाले नेटवर्क कवरे जरिया से बहरे हो गई, दोनों आंखी का सूर हो गई, कल तो आयु संघ का सरकार कहो यही गरमैले थे और ही काम कर दिया, तुअरा पर गढ़ी ता कुआ नावा हो, अरे कुआ नावा नु हो ई हवा मांगिला मांगा नहावा,
दोहाई शंख गोसाई कहो, हमरे घरा के दुअरिया के समन्वय थे 50 फुट का कुआं खने दिया। आंख खोलत हुआ कुआं तैयार बा, लेकिन पूरे गांव वालन के घरन के दुआरिन के सामने 100-100 फुट के दू-दू कुआं तैयार हो। अनराइल है हुआ लोग, जे टोट आवत घर में से बहिरा था, करे पिंटुआ के मम्मी करो भिन सारा भयल कि ना रे। हाँ चले 100 फुट नीचे कुआं में, जे भी घर में से बहिरा तो सब कुआं में जात हो, भर झुको अब गुरदम्मा लेके 100 फुट नीचे खबरत हो। कश्यप मुनि देखल बड़ा सुख मिलल। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, गांव वाले के दू ठे में अरारू हो गई, दू तल्ला मकान हो गए, यह न खली गए। अब वो जितना नीचे भूजत हो कल झिंगा टोवा वही में आराम से भूजा तू। पूरे गांव वालन के कश्यप मुनि कुआं में ढकेल के थे, बड़का चीनी हवा बोरा उठा लेलन, कैलन का टेरी लगल। अरे मोरे राम, अरे चक्कर में डमरू धारी पड़ गए, अरे कनवा घूम के लूटा गांव भलोटा थारी, अरे हाँ थारी, अरे हाँ। सब कुआं में आराम करत हो, पानी पियत हो, ई बोरा उठाए के गांव टहरत हुओ। जितना हंडा परात बल्टी गगरा कोहा परई दिया ढकनी ओखरी मूसर पावत हुओ, वही बोरा में भर के लिया के दुआरे पलटत हुओ। जनात हो कि अच्छी खासी कबाड़ के दुकान खोल ले लो। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ध्यान मगन है, जब भक्तों की ओर उनकी दिव्य दृष्टि पहुंची है, कश्यप मुनि की लीला देखलन कनन बारे कश्यप मुनि, तो बड़ा बढ़िया काम कर गईला। मने मन सोचत हुए तो पूरे गांव वाले इनके मुआय नवल चाहला, ब्रह्मा के पास भागते हुए गया और ढरदानी, हा ब्रह्मा मृतलोक चले के कले काहे प्रभु का करे बदे मृतलोक चल गया। कले वो कश्यप मुनि के देखा कुआं में ढकेल के मुआय नवल चाहला, कले भोलेनाथ आपो ऐसन ऐसन वरदान दे दिलिया, केहू के लकड़ी दे देबा तो काम टनाटन हो जाई, केहू के ऐसन वरदान दे देबा कि ओम नमः शिवाय बढ़ोत्तरम, यहीं से गुल्लर खोदे लगी। कवन आदत हो प्रभु आपके, कले ना चल ब्या तो तू सृष्टि रचते रह जाई ब्या। कश्यप मुनि ये संख्या लेके धरती पर दौड़े लगी है न, रेगिस्तान बना दी है। अच्छाई इतने में आओ कि चल चला, कलन प्रभु जब चले के तो विष्णु भगवान के भी सथवा में लिया लिया, तीनों देवता चलल हुआ मगर रूप बदल के, गीत लग गल मास्टर। ये हमारे कैसेट का गीत रहल मास्टर, देवर खटिया कैसे हिली, अरे बैठ बल्ला मोर भौजी दे दाया बन के नहवा, अपने बीच माया दानावा खेलाय दे तू, अपने बीच माया दानावा खेलाय दे तू, अपने बीच माया दानावा खेलाय। यही गीत के अपने जमाने में स्वर्गीय बेचन गुरु अपने अंदाज में गावे मास्टर, कहने रंगा मूंगा माका बाने रंगा मोतिया,
ब्रह्मा विष्णु और महेश चले हैं मगर रूप बदल के, वो रूप कौन रहल? तीनों देव साधु बन के कश्यप की दुआरिया, सबकी दुआरिया पर आए गई, ए हो आए गई लए कैले भोजन का जिकारिया, आए गई लए साधु का भेष बनौले तीनों जने, सरंगी गुदरी सोहत बा भजन गावत, कश्यप मुनि के दरवाजे पर पहुंचल हुन दुल्हन घर में बा, कश्यप मुनि गांव गोट अथवा जनात हो कि महामारी आई लियो, अलख जगाए कोई है, कोई है तो हम महात्माओं को भोजन करवा दे। भारतीय नारी की जो सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, बखूबी निभाते हुए वहन करते हुए वो दुल्हन घर में से निकली है कैलाश का। सुन के दुल्हनिया घरे में बैठाई, सब मुनि लोटा थरिया लेके आई हो गई लेना, आसन लगा करके भोजन बना के तीनों देवतन के पड़ोस दिलू, न का पता बाकी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हुन, लेकिन फिर भी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना ही रहल। आसन लगा करके भोजन दे दलस लोग खात हुए, बेना चलावत बा, भगवान भोलेनाथ हाल चाल पूछत हुए, कुशल छेम पूछत हुन, और बच्चा कोई दुख है तो बताओ, कोई कमी है तो बताओ। दुल्हन कहनी प्रभु आपके कृपा से, महात्मन आपकी कृपा से कोनो कमी हो नहीं। तब तक कश्यप मुनि पीठी पर बोरा लदले निहुरले भागल आवत हुआ, दुअरवें बहन पहुंचल हुआ घरे में से, बोलले बतियौले का आवाज अवत हो, बोलन अरे ये तो पूरे गंगवालन के हम कुआ में ढकेल देनी, कोनो सारे बैग डोर का प्रयोग ना कह दल, ये घरवा में कौन घुसल हुआ, बोरा पटक के ओ दुआरे जाए के जंगला से झांकत हुआ, तो तीन ठे जटाधारी खात हुआ, मुस्कियात हुआ, दुल्हन से बतियावत हुआ, ये तो और बड़ी यार दुख हो, ये तो और ही ना बर्दाश्त होई ओपी भाई, कोलन की घबरा मत, अब तोरे लोगन का दाढ़ी हम बनावत है, उठौला शंख दुआई शंख गोसाई कहो, एक ठे और ही वरदान दे दिया का कलन लहा लगल मास्टर। संखिया से मांगे मुनि जी की हवे मंगनवा ये भैया, नीचे मरदाना ऊपर जनाना दापाना, संघ गोसाई कहो हम मरद हई करियैया के निचवा, हमके मरद रहे दिया, करियैया के ऊपर मेहरारू बनाए दिया, सोचत हुआ हम आधा मरद आधा मेहरारू हो जाब, तो ही घरवा में जवन लोग रसे रसे जेवत हुआ, ये लोग पूरा मेहरारू हो जाई,
आ जब पूरा मेहरारू हो जाइए तो राजा दशरथ से ऊपर हो जाए, उनके तीन रोली हमारे चाट हो जाइए भयल का। ये तना कहता बदलल, ये तना कहता बदलल, मुनिकता सबिरिया ये भैया। आंख खोलन कश्यप मुनि करियाए के नीचे भगई हो, अब करियाए के ऊपर कंधे पर कंचुक सोहत हो। कंचुक माने मास्टर साहब जन्मे ना कैला, बुढ़ौती आ गई तोरो लेकिन मिजाज वाले ना पहुंचल। कंचुक माने चोली होला। अब जहां राखी सोहत रहल वहां क्या कचनारे कचनारे गाल है, क्या कजरारी आंख है, क्या सुराहीदार गर्दन है। कश्यप मुनि निहारत हुआ अपने आप के कि वाह इतना बढ़िया हम बनल है। तो जोन घरवा में तीनों सदुआ खात रहल वो तो हमसे कम उम्र के लगत रहल, बोल तो और बढ़िया बनल हो। कहले रह मन तनी एक दाई खिड़किया से झांक ले आ जौन दुल्हनिया से ढेर बतियात रहा पहले चल के वही के रियाज मारब। जाय के जंगला से झांकत हुआ तो तीनों देवता तीनों साधु जैसे पहले रहले वही तरह बहिन भोजन करत हुए। कश्यप मुनि एकदाई अपने के लखत हुए एकदाई वो सधुओं के ताकत सरवाई छुआए गई का संखिया, पानी उठा के छिरक के फिर मंगलन मगर कौनो असर न भयल। उठा के पटकलन सर ये बरदानी शंख चूर हो गई, दरवाजा मरला पैर से टूट गया। अंदरवा गए भगवान भोलेनाथ कही है जटा पकड़ब न कैले, दाढ़ी पकड़ के घिसरावत ले ले आवत हुन। मैं ठेहुना के अमृत छाल वगैरह जौन भीतर छुपौले रहलों कुल कट गया, ठेहुना के चमड़ा कट गया, खून बहत हो। भोलेनाथ सोचत हुआ अब एक अगर असली रूप ना देखौली तो बेइज्जत कह दे। अरे डमा डम डमहरुआ बाप चला भोला के भैया, साक्षात रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए। डमरू बजा है, सारे गांव के लोग जैसे पहले थे वैसे हो गए। लेकिन कश्यप मुनि आधा मेहरारू आधा मरद बन के टुकुर 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 वही साधु लोगन के निहारत हुआ भोलेनाथ के पहचानत हुआ कहीं से असली रूप में आ गई। बोले कहो प्रभु जंगलवा में जोन तू एक हफ्ता पहले मिलल रहला उहे ना हुआ। कहले बेटा पहचान तो गए, निगाह तुम्हारी बड़ी तेज है। कहले कहो प्रभु कितना बड़ा लड़चुआ तू है, तो आहूं के कमी हो गई। 12 साल शरीर झुरवाई के अयो संग के जरिए अठे मेहरारू मांग ले ली, इहो तोरे आंखी के किरकिरी हो गई ना बर्दाश्त भयाल। कहले मूर्ख बहिन बिहाई करत हो, अब अहिन बिहाई करत बा। कलन के रे कश्यप मुनि तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, उस बार तो तपस्या किया तो तुझे वरदान दिया, इस बार तपस्या का दुरुपयोग किया है तू, इस बार श्राप सुन ले। का कलन मास्टर आखिरी लाइन हरे पाका सुंदर तनवा अरे नष्ट कैला पिजड़ा, अरे हो दूसरा जब जन्म माता होई बाही जड़ा। बड़ा मरद में हरारू बन ले के तो के शौक रहल ना जाओ, ये शरीर त्यागोगे अगला जन्म जब तुम्हारा होगा एक नया नाम दिए भगवान भोलेनाथ की, तेरे ही तन से तू ही हिजड़ा बनकर के पैदा होगा।
एकरे पहले खाली धरा पर संसार में मरद और मेहरारू नर और नारी रह कश्यप मुनि लिया के हाइब्रिड पैदा कर दल जौन की हमरे तोहरे घरे कोनो बिटिया बेटवा पैदा हो जालन आय के कुल इतना तंग कर दिल कि मुंह छिपाओ छिपाओ जिंदगी नरक हो जाले ट्रेन के बतिये मत पूछा अगर न देवा तो प्लेटफार्म खोल के वहीं जा दिखा दी हो भगवान भोलेनाथ श्राप दे दिए जाओ तू हिजड़ा बन करके पैदा होगा। हाथ जोड़ के कश्यप मुनि पैरवा पकड़ लेना कल सरकार साधु वेश में आप हुआ तीनों मां साधु वेश में तीनों देवता आप लोग हैं त आप गुरु हम तो गुरु का फर्ज होला एक स्वर और बढ़ला अरे डहरिया बतावले जा अरे डहरिया बतावले जा अब गुरु हमारा भूला लीजा हरिया बतावले जा बहुत अच्छे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु प्रायश्चित का एक मौका दे दीजिए पूरी जिंदगी आपके राह में कुर्बान कर दूंगा चलो के संग हमें चलो के संग हमें अपन लिया वाले जा गुरु हमारा भूला लीजा हरिया बतावले है जा क्या बात है जोड़कर कदमों में पड़े हैं कश्यप मुनि उदाहरण के तौर पर एक लाइन बतौलन का भगवान से भारी हो लाभ भगवान से भारी हो लाभ गुरु जी का दराजा बार अवसर दे दीजिए प्रभु भगवान भोलेनाथ पर छोड़ो थो बेटा ये अब नहीं हो सकता जवान से जो बात निकल गई वापस नहीं हो सकती एक चीज और याद धराओ थो उनका सपनी का जवानी चला ना बसे स्वर्ग सुख प्रताप हो भूल
कत्ल किए हो तो सजा जरूर मिलेगी। इतनी बात कह करके भगवान भोलेनाथ और साथ गए दोनों देव ब्रह्मा और विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। कश्यपनी जी का जब ये तन छूटा तो अगले जन्म में वही हिजड़ा बनकर के पैदा हुए और उन्हीं की जड़ से तीसरी बिरादरी के लोग पैदा हो गए। एकरे पहले खाली नर और नारी रहलन। कश्यपनी का देन हो एक बिरादरी औरी पैदा कर दहलन। आखिरी लाइन हो माचर गुरु घराने के परिचय बा। बिहारी करे सगैलन बिहारी करे सगैलन रौरी सरनिया बाली।